Good evening friends, welcome back to our YouTube channel Reasoning by Prince Goyal GP sir. Sorry friend, मैं पिछले 2-3 दिनों से आपसे नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कोई technical reason था. आज हम फिर से आए हैं आपके सामने clock की type 3 discuss करेंगे. Clock की type 3 part C. इसमें हम angle discuss करेंगे 90 degree. देखो हम पहले 0 degree discuss कर चुके, sorry. पहले हम 0 डिग्री डिस्कस कर चुके, 180 डिग्री डिस्कस कर चुके, और उससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307861392 पर पूछ सकते हैं, फेसबुक आईडी गोयल रीजनिंग पर आप पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस गोयल जेपी सर, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियोस. देखो आज हम क्लॉक के टाइप से डिस्कस करेंगे 90 डिग्री. आपको मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, 0 डिग्री या 180 डिग्री एक आवर में एक बार बनता है, 90 डिग्री जबकि दो बार बनता है. अगर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, 3 बजे, एक तो 3 बजे बनेगा और एक 3 बजे कर 32 मिनट के आसपास बनेगा, यानी कि लगभग यहां पर एक तो देखो बन रहा है 3 बजे बनेगा, एक 3 बजे 32 मिनट, यानी 32 मिनट के आसपास. एग्जैक्ट के टाइम क्या होगा हम क्वेश्चन निकालेंगे तब देखेंगे. देखो 90 डिग्री, अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा हूं 90 डिग्री में 2 से 3, 2 से 3, देखो 2 से 3 के लिए मैंने वही पहले घड़ी से डिस्कस करेंगे, देन हम शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे. घड़ी से क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा था जब हमने दो टाइप डिस्कस करी, एक सेकंड रुकिए, जो हमारा पहला टाइम होगा भाई 2 से 3, पहला टाइम कितना है 2, घड़ी में हम 2 बजा देंगे, यही कर रखा होगा, आपको दिख भी रहा होगा घड़ी में 2 बज रहे हैं. उसके बाद हम आवर एंड को खराब कर देते हैं, आवर एंड को मूवमेंट नहीं देते. जो 90 डिग्री बनेगा या तो 3 घंटे का गैप सोच लो या 15 मिनट का गैप सोच लो, कहने का मतलब मेरा घड़ी के 3 अक्षर, देखो घड़ी में 2 बज रहे हैं, 2 बजा लिए, घड़ी में 2 बना लिया हमने, हम घड़ी में 2 o'clock बना चुके हैं. अब जो 90 डिग्री एंगल बनेगा आवर एंड और मिनट एंड के बीच, मिनिमम गैप, मिनिमम हो या मैक्सिमम यार सेम बात है, मिनिमम या मैक्सिमम बड़ी यूज नहीं करूंगा, गैप होना चाहिए 3 आवर या 15 मिनट, लिख भी रखा है 3 आवर या 15 मिनट का गैप होना चाहिए तभी 90 डिग्री बनेगा. देखो आप अगर मैं घड़ी में 2 बना के बैठा हूं तो 3 इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, दोनों तरफ देखना है 15 मिनट या 3 घंटे का गैप, कहने का मतलब 3 अक्षर का गैप. देखो 2 से 2 पे तो हमारा आवर एंड है जिसको हमने खराब कर रखा है, अगर गैप लोगे 3 अक्षर का, एक तो 1 1 2 11, सुई कितने बनी चाहिए 11 पे, और इधर की तरफ लोगे तो कितने बनी चाहिए 1 2 3 5 पे. और वैसे भी यार मैथमेटिकली देखो अगर मैंने 11 का है, 11 पे अगर ये एंगल मैं 90 डिग्री बोलता हूं, इस एंगल को मैं 90 डिग्री बोल रहा हूं, सॉरी इस एंगल को मैं 90 डिग्री बोल रहा हूं, तो ये तो 90 डिग्री होगा पाइलिनियर पेयर. थोड़ा सा बड़ा बना के डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिए आप भाई, ये घड़ी है, ये हमारे 2 हैं, ठीक है 2 बज रहे हैं, मैंने कहा 11, एक तो बनेगा 11 पे, ठीक है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, 2 भाई 1 1 12 और 11, 3 अक्षर का गैप हो गया भाई. हमारा आवर एंड 2 पे है, इसको हम खराब कर चुके, मिनट एंड कहां पे आना चाहिए. देखो एक बात और ध्यान रखना, ये तो मैंने काउंट यहां से करवा दिया लेकिन मिनट एंड तो चलेगा, वो ऐसे चलेगा, कभी भी मिनट एंड उल्टा नहीं जाएगा, मिनट एंड चलेगा घड़ी के तरीके से ही, ऐसा नहीं आप सोचो कि मिनट एंड उल्टा चलेगा, मिनट एंड चलेगा जब यहां से आके यहां पे पहुंचेगा, वो तो मैंने उल्टा काउंट करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें देखना है कि 3 घंटे का गैप या 3 अक्षर का गैप, एक तो 1 पे, एक 12 और एक 11. अरे यार मैथमेटिकली देखोगे तो 11 के बिल्कुल सामने, क्योंकि देखो लीनियर पेयर बनता है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो 11 के बिल्कुल सामने कौन होता है 5, एक तो 11 पे बनेगा एक 5 पे, ये वही बात, 3 घंटे का गैप लोगे 1 2 और 3, यानी 3 4 5. तो देखो एक बार मैं घड़ी को वापस रब कर देता हूं, आई थिंक आपको सभी को कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा मैंने क्या कहा है
कि जो हमारा पहला टाइम था पहले वो देखिए, आप मिनट हैंड को कहाँ पे लेके जाएंगे, तीन अक्षर के गैप पे। भाई जैसे दो था तो तीन अक्षर गैप या तो 11 पे या 5 पे, ठीक है। तो देखो 5 पर आने में कितनी देर लगेगी इसको, 25 मिनट, 25 मिनट। 11 पर आने में कितनी देर लगेगी, 55 मिनट। ये बात मैं पहले रिपीट कर चुका था, मिनट एंड ऐसे नहीं जाएगा कभी भी, पहले तो यहाँ 5 पे आएगा और फिर 11 पे आएगा, ठीक है। एक तो लगेगी 25 मिनट, एक 55 मिनट। आपको अच्छे तरीके से पता है, मैंने फॉर्मूला याद करवा रखा है, एक मिनट का गैप 12/11 मिनट में कवर होता है। 25 का निकालेंगे तो 25 × 12/11 ये हो जाएगा 300/11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे भाग करके, आपको बता रखा है क्वोशेंट इधर, रिमाइंडर इधर, डिविजर नीचे, ठीक है। 300/11 भाग करेंगे आएगा 27/3/11, 27/3/11। और हमेशा पहले वाला टाइम लिखते हैं, याद करो जब हमने 0° करा था तब भी पहले वाला टाइम लिखा था, अपोजिट करा था तो मैंने इतना ज़रूर किया था कि टाइम अपोजिट लिया था, मल्टीप्लाई किया था, लेकिन आंसर लिखा था पहले टाइम से। यहाँ पे भी आंसर लिखूंगा पहले टाइम से, आंसर आएगा 2:27/3/11, 2:27/3/11। ऐसे 55 मिनट का निकालोगे, एक मिनट का 12/11 होता है, 55 मिनट का निकालोगे, 55 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 × 5 = 55, कितना आया 60, 2 hours 60 minutes, आंसर आएगा 3 PM या 3 AM जो भी होगा, ठीक है। आई थिंक घड़ी से सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, ये बेसिक कंसेप्ट था, आप शॉर्ट ट्रिक पे भी ध्यान दीजिए, हो सकता है कोई बेसिक कंसेप्ट आपको ना समझ में आए, ट्राई कीजिए, आप हमें पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा समझाने की, फिर भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दीजिए। देखो 2 से 3 का निकालना है, यहाँ पे पहला टाइम ही लेना है, फर्स्ट टाइम लेना है, एक बार इस फर्स्ट टाइम में आपको 3 ऐड करना है और एक बार 3 माइनस करना है, एक बार आपको 3 ऐड करना है और एक बार आपको 3 माइनस करना है। 2 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 2 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा, -1। अब कहोगे सर क्या बात है माइनस का टाइम, अरे यार माइनस का टाइम तो सर हमने कभी देखा ही नहीं, आप माइनस का टाइम कहाँ से बनाए ले रहे हो भाई। बात ऐसी है, माइनस का टाइम आ जाए, माइनस के अल्फ़ाबेट के कोड आ जाए, कोडिंग डिकोडिंग हम करेंगे जब, माइनस के अल्फ़ाबेट कोड आ जाए, ये रीजनिंग में कहीं पे भी ऐसी चीज़ जहाँ पे फिक्स अमाउंट है, जैसे टाइम में 12 घंटे फिक्स है हमारे पास, घड़ी में 12 अक्षर होते हैं भाई, घड़ी में 12 अक्षर फिक्स हैं, अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर फिक्स है, कभी भी ऐसा आ जाए इनमें, या तो माइनस की डिजिट आ जाए या इनसे बड़ी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ घड़ी में माइनस की आ जाए तो आप उसमें 12 जोड़ दीजिए, लिख रखा है नीचे, आप नोट कर लीजिए, अगर कभी भी नेगेटिव टाइम आता है तो उसमें +12 कर दीजिए, वो टाइम अपने आप सही कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अल्फ़ाबेट में अगर कभी भी माइनस का कोड आता है, -5 आ जाए तो उसमें 26 जोड़ दीजिए, 26 मतलब जितने टोटल लेटर होते हैं, -5 + 26 आंसर आएगा 21, यानी कि यू, -5 भी बोल सकते हैं यू को, 21 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसे नेगेटिव आ जाता है टाइम में, 12 जोड़ दीजिए, और अगर 12 से बड़ा आ जाए, लार्जर देन 12, जैसे कि 14 आ जाए, घड़ी में 14 बज रहे हैं तो इसमें से 12 सब्रैक्ट कर दीजिए, यानी टाइम होगा 2। मैंने क्लियर कट बोला, अगर माइनस का टाइम आ जाए तो 12 जोड़ लीजिए, और अगर प्लस का टाइम आ जाए तो 12 घटा लीजिए, ये लिख रखा है आप नोट कर लीजिए, माइनस का आता है तो +12, और प्लस का आता है यानी कि ग्रेटर देन 12 आता है तो उसमें से 12 सेपरेट कर दीजिए। तो देखो 2 + 3 = 5, कोई दिक्कत नहीं थी, 2 में से 3 -1 आया, -1 में 12 जोड़ूंगा भाई तभी सही टाइम बनेगा 11। तो देखो एक बार तो जो अपना आया था उसको 60/11 से मल्टीप्लाई, और एक बार इसको, तो यहाँ पे तो हमारा 5 आया था, 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300/11 जो पहले आ रहा था सेम आंसर, यहाँ पे हमारा -1 आया था, 12 जोड़ा 11 बना, 11 को 60/11 से मल्टीप्लाई करा, 260 यानी कि 3 सेम आंसर। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक, मैंने कहा कोई भी टाइम दे रखा हो एक बार आप +3 जोड़िए और एक बार -3 करिए,
और जो भी आता है उसको 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि अब हमारे पास क्वेश्चन है 3 to 4, 3 से 4 क्वेश्चन है, 3 से 4। तो मैंने कहा जो पहला टाइम उसको लेंगे हम 3 को लेंगे, एक बार आप इसमें 3 जोड़ेंगे और एक बार 3 माइनस करेंगे, एक बार 3 जोड़ेंगे और एक बार 3 माइनस करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, 3 में से 3 माइनस करें 0, और 0 इक्विवेलेंट होता है 12 के, सॉरी एक मिनट, 0 इक्विवेलेंट होता है 12 के, घड़ी में देखा होगा 0 मतलब 12। जो हमारा आया ये टाइम, इसको आप 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे 360/11 भाई, 6 को 60/11 से मल्टीप्लाई करा, और ये 6 कहाँ से आया मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपको किसी भी टाइम का निकालना है तो जो पहला टाइम दे रखा है उसमें 3 जोड़ दीजिए और 3 माइनस कर दीजिए, ऐड 3 एंड सब्ट्रैक्ट 3, यहाँ पे दो बार बनेगा 90 डिग्री, तो मैंने हर बार दो ही लिया है, एक तो 6 आया एक 0 आया, देखो तो 6 को 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा फैक्टर है, हमारी लास्ट की वीडियोज में डिस्कस हो चुका, अगर आपको डीप में जानना है तो आप लास्ट की वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ से आया कहाँ से नहीं। 60/11 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 360/11, ऐसे यहाँ पे 12 आया था, 12 को 60/11 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 720/11, तो दो आंसर आए, एक तो 360/11, एक 720/11, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 32/8/11, और हमेशा पहले वाले टाइम के साथ लिखते हैं, पहला टाइम कितना था 3, पहला टाइम मतलब जो हमारा मेन टाइम है, हमारा सब कुछ इसी से तो डिपेंड कर रहा है, 0 डिग्री किया था तब भी हमने इसी को मल्टीप्लाई किया था, 180 किया तो पहले मैंने इसका अपोजिट टाइम लिया उसको मल्टीप्लाई किया, आंसर उसी को लेके लिखा पहले टाइम को, यहाँ पे एक बार +3 कर रहा हूँ, एक बार -3 कर रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, लेकिन आंसर हमारा पहले टाइम को लेके लिखा जाएगा, और यहाँ पे आंसर आएगा 3 65/5/11, हम पहले भी कर चुके हैं, हमें पता है 65 मिनट कुछ नहीं होती, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे पूरी 60 मिनट ट्रांसफ़र होगी, ये हो जाएगा 4:05, 5/11, 4/5/11। अब आपको एक बात भी क्लियर होगी होगी कि सीधी सी बात है, 2 से लेकर 4 तक पहले मैंने आंसर निकाला था 2 से 3 का, पीछे जब हमने 2 से 3 का निकाला था आपकी याद होगा एक आंसर आया था 227/3/11, याद कर लीजिए 227/3/11, एक आया था 3, ठीक है, और जब मैंने 3 से 4 का निकाला एक आया 3 32/8/11, एक आया 4:05, यानी कि हम लेंगे नहीं, तो देखो 2 से 4 एक आंसर आया था 227/3/11, एक आंसर आया 3, एक आंसर आया 3 32/8/11। अब आप कहोगे सर ये क्यों डिस्कस कर रहे हो, ये बाद में बात करेंगे, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, ऐसे मैं 2 क्वेश्चन और निकालना चाहूँगा फिर हम डिस्कस करते हैं, 8 से 9, 9 से 10, देखो 8 से 9 जो पहला टाइम कौन है 8, इसमें हम एक बार 3 जोड़ेंगे और एक बार 3 माइनस करेंगे, 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 11, 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, भाई 3 जोड़े तो 11 आया, 3 माइनस करे तो 5 आया, 11 को 60/11 से मल्टीप्लाई, 5 को भी 60/11 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर तो 11 से 11 कैंसिल, आंसर आएगा 860, क्योंकि आंसर हमेशा लिखते हैं पहले वाले टाइम को लेकर लिखते हैं, 60 मिनट आई 8:60, तो हम कह सकते हैं 9 बजे, यहाँ पे देखो जब 3 माइनस करे तो 5 आया था, हमारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करा 60/11, ये आंसर आया हमारा 300/11, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 27/3/11, जो हमारा पहला टाइम था उसी को लेके आंसर लिखेंगे 8/27/3/11, ऐसे 9 से 10 का निकालोगे, पहला टाइम 9 है, इसमें एक बार तो 3 जोड़ेंगे और एक बार 3 माइनस करेंगे, 3 जोड़ोगे तो 12 आएगा, 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा,
9 में 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, दोनों को 60 अपॉन 11 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। देखो 12 को करोगे 720 अपॉन में 11, 6 को करोगे 360 अपॉन में 11, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 32/8 अपॉन 11। और आपको अच्छे से पता है हमेशा पहला टाइम लिखते हैं, यानी 9:32:08 9:32/8 अपॉन 11, और इसको चेंज करेंगे 9:65/5 अपॉन 11। भाई मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है 9:65/5 अपॉन 11, वही बात 65 मिनट कुछ नहीं होती, तो पूरा एक घंटा ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये होगा 10:05/5 अपॉन 11। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग किसी को भी। देखो अब मैं बात करता हूँ 2 से 4 और 8 से 10 की। मैंने 2 से 3 निकाला, 3 से 4 निकाला, 8 से 9 निकाला, 9 से 10 निकाला। देखो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो चीज़, 2 से 4 तीन आंसर आए थे, 2:27:3/11 2:27:3/11, एक आया था 3 और एक आया था 3:32/8/11। आपने क्वेश्चन नोट किए थे, नहीं किया आप दोबारा वीडियो को स्टॉप कीजिए, नोट कर लीजिए और दोबारा देखिए तीन आंसर आए थे, कैसे आए थे आपको अच्छे तरीके से पता है। किसी भी टाइम का निकालना होता है, हम फर्स्ट टाइम में जो होता है हमारा उसमें 3 जोड़ते हैं, 3 माइनस करते हैं और उसके बाद जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आता है पहले टाइम को लेकर लिख लेते हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर नेगेटिव आंसर आता है जोड़ने या माइनस करने के बाद तो उसमें 12 जोड़ लीजिए, आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या 12 से बढ़ा रहा है तो उसमें 12 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ऐसे 8 से 10 के तीन आंसर आ रहे हैं, 8:27/3/11 9:32/8/11। भाई मैंने जब शुरुआत करी थी 90 डिग्री का, मैंने कहा था एक घंटे में दो बार बनता है जी, बिल्कुल बनता है एक घंटे में दो बार, लेकिन दो टाइम ये ऐसे हैं लिख रखे स्पेसिफिक, 2 से 4 और 8 से 10। 2 से 4 बनना चाहिए था 4 बार, 2 घंटे थे, 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन कितनी बार बना? 3 बार। ऐसे 8 से 10 कितना बार बनना चाहिए था? 4 बार, लेकिन कितनी बार बना? 3 बार। तो मैं कह सकता हूँ 12 घंटे 24 बार बनना चाहिए था, 24 बार, लेकिन 24 बार नहीं बनेगा, कितनी बार बनेगा? 22 टाइम्स याद रखना, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में कितनी बार? 44। लॉस कहाँ पे हुआ? 2 से लेकर 4 और 8 से लेकर 10। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हरियाणा गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, NTSC हो, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 90 डिग्री कितनी बार बनता है 12 घंटे में, तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है भाई दोस्तों? 22 बार, और 24 घंटे में 44 टाइम। हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक 90 डिग्री या मेड 90 डिग्री 22 टाइम्स इन 12 आवर एंड 44 टाइम्स इन 24 आवर्स। 0 डिग्री 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार, 22 टाइम 0 डिग्री, या 180 डिग्री, 0 और 80 का सेम है याद रखना, 12 घंटे में 11 बार बनता है वो, 24 घंटे में 22 बार, 12 आवर में 11 टाइम्स, 24 आवर में 22 टाइम्स, और जो 90 डिग्री है 12 आवर में 22, 24 आवर में 44 टाइम। इस बार NTSC में भी ये सेम क्वेश्चन आ रखा था, इन ए डे हाउ मैनी टाइम्स क्लॉक मेक या क्लॉक मेड 90 डिग्री। ऑप्शन दे रखे थे 48, 46, 42 और 50, जो कि गलत क्वेश्चन था, आंसर आएगा 44। आप याद कर लीजिए 24 आवर में 44 टाइम। लॉस होता है 8 से 10 और 2 से 4, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, जो 0 डिग्री था वो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, जो वो लॉस कहाँ पे होता है? 11 से लेके 1 बजे तक, और जो हमारा 180 डिग्री था सेम है, 12 आवर 11 टाइम, 24 आवर 22 टाइम, वो लॉस होता है हमारा 5 से 7 के बीच में। आपको सारी टाइप करवा दी मैंने, टाइप जो 3 थी, टाइप 3 के 3 पार्ट थे, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे
वो करेंगे स्लो एंड फास्ट एंड फॉल्टी क्लॉक। तो नेक्स्ट क्लास आप ज़रूर अटेंड कीजिए, बढ़िया टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, बेसिक से भी करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।